टाइटैनिक जहाज वाली घटना को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। 1912 में अटलांटिक महासागर में हिमशिला से टकराकर टाइटैनिक डूब गया था, जिसके अवशेष आज तक अटलांटिक महासागर में मौजूद हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद टाइटैनिक का मलबा देखने वालों की लिस्ट बढ़ती गई। लेकिन ओशियन गेट एक्सपीडिशन नाम की कंपनी पर्यटकों को ये एक्सपीरियंस देने के लिए मैदान में उतरी और मोटा चार्ज भी किया। वहीं यात्रियों से ये भी लिखवाया गया कि समुद्र के अंदर होने वाले जोखिम के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। जिसके बाद 18 जून को टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटेन समुद्र में उतरी। तभी लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद खबर आई कि टाइटेन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। रडार से ये पनडुब्बी बिल्कुल गायब ही हो गई। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार हैं, जिनमें ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट, ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद हैं। कनाडा और अमेरिका की जलसेना लगातार बचाव अभियान में जुटी है। वहीं विशेषज्ञ हैरान हैं कि टाइटेन का संपर्क आखिर टूट कैसे गया। टाइटेन के टाइटैनिक के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो टाइटैनिक का आर्क अच्छी स्थिति में है, लेकिन पिछला हिस्सा बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ ड्रैग नेट भी मौजूद है, जो दूसरे जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि टाइटेन भी टाइटैनिक के मलबे यानी भूत जाल में फंस गई हो। आखिर क्या होता है भूत जाल? जब जहाज या कोई भी बड़ी चीज आकर टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे में फंस जाती है, तो इसे भूत जाल कहा जाता है। आखिर समुद्र में कहां से आ रही हैं धमाकेदार आवाजें? दुनिया के टॉप टाइटैनिक विशेषज्ञों में से एक टिम माल्टिन ने कहा कि खोज और बचाव के लिए काफी सामग्री मौजूद है। उस इलाके में बहुत सारे कमर्शियल शिपिंग भी हैं, इसलिए धमाके की आवाजों पर ज्यादा विचार नहीं किया। अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम लगातार सबमरीन की तलाश कर रही है। इसके अलावा पानी में सोनार बॉय भी छोड़े गए हैं, जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। अहम बात यह है कि ऑक्सीजन बेहद ही कम बची है। जहाज में लगभग 20 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। वहीं बढ़ते हुए जोखिम को देखते हुए खोज में सहायता के लिए अधिक जहाज उत्तरी अटलांटिक में पहुंच रहे हैं, क्योंकि टाइटैनिक की समुद्र में गहराई लगभग 3,800 मीटर है, तो बचाव अभियान में मुश्किलें पेश आ रही हैं और सबमरीन में ऑक्सीजन कम होने के चलते बचाव कर्मियों की चिंता और बढ़ गई है।